जी हाँ दोस्तों, इस क्षेत्र के क्षेत्र संख्या एक से जो जिला पार्षद प्रत्याशी हैं और खेल से बहुत ही लगाव है उनका, इसलिए हमारे बीच मौजूद है। आपका वेलकम है हमारे इस ग्राउंड में। और खेल के प्रति कितना आपका रुचि है मैं जानना चाहूंगा। इस इलाके में कोई अब तक स्टेडियम नहीं है, मगर बच्चे खेलते हैं, आप इस खेल को किस नजरिए से? धन्यवाद आपका, सबसे पहले धन्यवाद दूंगा अच्छा क्रिकेट टूर्नामेंट के तमाम धन्यवाद दूंगा इस आयोजन में तमाम उन युवाओं का जिसका योगदान है, धन्यवाद दूंगा उन तमाम जिसका बैनर मैं देख रहा हूँ, तमाम व्यापारियों का और जितने भी लोग सब। मैं सबसे पहले बता दूँ कि जिला परिषद संख्या एक का प्रत्याशी आपने कहा है, बिल्कुल आपकी बात सही है, लेकिन क्योंकि जिला परिषद क्षेत्र संख्या एक का प्रत्याशी पद महिला के लिए आरक्षित है, इसलिए मैं उसका प्रत्याशी नहीं हूँ। भविष्य में इंशाल्लाह उम्मीद करता हूँ कि मैं अपनी पत्नी, इसका नाम इमरा तारा है, वो प्रत्याशी हूँ। जहाँ तक रही खेल का सवाल है, मेरा खेल से शुरू से ही रहा है, मैं क्रिकेट फील्डर और मैच चलोक पे बहुत रुचि है इसमें, और सबसे ज्यादा रुचि का कारण ये है कि मैं चाहता हूँ राष्ट्रीय स्तर पर खेलेंगे। एक पुरुगा तोरिया है, आपके पास से सहमत हूँ, मगर एक छोटा सा सवाल, आप नहीं समझते मगर फिर भी आपका लगाव है बहुत, यहाँ आते रहते हैं, लगभग आप तक दो तीन बार आ चुके हैं, तो क्या संदेश देना वहाँ नहीं चलने संदेश? सबसे पहले यहाँ की फोन करो माध्यम कि युवा शक्ति ही देश का समाज का निर्माता है, युवा अगर संगठित रहे और उसकी सोच सही दिशा में जाए तो निश्चित रूप से जिस समाज का युवा जागृत है, संगठित है और ऊर्जावान है, वो समाज निश्चित रूप से हर क्षेत्र में आगे होगा। मैं संदेश देना चाहूँगा कि हमारे युवा जिस तरह से खेल के मैदान में अग्रणी हैं, वो दूसरे जीवन के दूसरे क्षेत्र में भी अग्रणी रहें, चाहे वो राजनीति का क्षेत्र हो, शिक्षा का क्षेत्र हो और दीगर क्षेत्र, भले ही वो कोई छात्र हो, भले ही वो उसको राजनीति से कोई इंटरेस्ट नहीं हो अपने लिए, लेकिन समाज के लिए उसको राजनीति में भी इंटरेस्ट लेना चाहिए। मैं मानता हूं कि अगर युवा जागृत होगा, हमारे समाज के जो प्रतिनिधि बनेंगे, हमारे समाज के जो जितने भी चाहे वो नीचे से लेकर ऊपर तक का मेंबर से लेकर के सांसद तक का जो पद होगा, उसमें युवाओं को रुचि लेनी चाहिए, इस तरह से खेल के मैदान में रहेगा। अगर अच्छे लोग इसमें रुचि नहीं लेंगे तो फिर अच्छे लोगों का चयन भी नहीं हो पाएगा। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। ग्रुप फोटो ले लेंगे। मैच स्टार्ट कर रहा है।